डीएफओ विकास यादव ने कुसमी जंगल के रास्ते की बंदी पर कहा कि कुसमी जंगल में कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है। जो कुसमी जंगल है वहां से नदी बहुत पास में है और आवागमन वहां से सुचारू रूप से जारी है, इसमें कुछ रास्ते बहुत संवेदनशील रहते हैं। उन्होंने कहा कि जंगल में जाने के लिए वहां के नागरिकों ने बहुत सारे रास्ते खोल लिए हैं जिसमें आपराधिक तत्व कहीं से भी घुस जाते हैं। इसमें हमारा मकसद है कि जो मेन रास्ते हैं वही खुले रहें जिससे जो ग्रामीण हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, और साथ ही ऐसे रास्ते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको बंद किया जा रहा है जिससे जंगल में जो आपराधिक घटनाएँ होती हैं उस पर लगाम लगाई जा सके, और जिन रास्तों की आवश्यकता नहीं है उसको बंद किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए डीएफओ विकास यादव ने कहा, विनोद वन में कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है। विनोद वन तो जो कुसमी रोड है उसके जस्ट नदी बहुत पास में है और आवागमन जो है सुचारू रूप से उसमें जारी है। कुछ रास्ते जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत संवेदनशील रहते हैं, जंगल में जाने के बहुत सारे रास्ते लोगों ने खोल लिए हैं, आपराधिक तत्व जो है कहीं से भी घुस जाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जो मेन रास्ते हैं वही खुले रहें और ताकि जो ग्रामीण हैं लोग आमदन